I'm Dr. Neeru Pathak, Principal, DPS Ajmer Tabiji, and I wish a very, very happy Deepavali to all the Ajmer. Shri Kuvera Collection ki taraf se sabhi Ajmer Shahar vaasiyon ko Diwali ki hardik shubhkamnaen. मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमडी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। हेलो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुबह ये बैग घूमने के लिए प्रदीप कुमार और ऊपर और जो तनाव उन्होंने हमें दिया, मैं दिल से बयान रखते कितनी खुशी हो रही है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी पीपल लाइक दिस पर्सन एंड अदर पर्सन हु आर वर्किंग हियर। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल दे हैव कोऑपरेटेड मी एवरी मच एवरी थिंग व्हाट एवर दे कैन डू। आई एम एक्जीक्यूटिव इन बैंक। दे हैव गिवन मी ऑल टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड टू get my bag back. Thank you very much. I am proud to see like these people in India. Hope all will remember this and do like they do for myself. I am Kashmiri. Thank you. Nishar Ahmad from Kashmir. Thank you. एक कश्मीर से एक फैमिली आई थी, जिससे 10 से 15 जने थे उस मेंबर उसके अंदर, और उनको मेरिट टाइम ड्यूटी के टाइम दोपहर के टाइम वो आए थे और उनका एक बैग था जो बच्चों के द्वारा वहाँ पे खेलते खेलते गिर गया है किसी को। ये अपने सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक के ऊपर तारागढ़ के नीचे वहाँ की घटना है, अंदर पार्क के अंदर जहाँ पे कुछ झाड़ियाँ पेड़ पौधे भी थे। तो बच्चों के द्वारा वो गिर गया और गिरने के दौरान वो सब भूल के वहाँ चले गए, पुष्कर भी गए और दरगाह भी गए, सब जगह ढूंढ लिया उन्होंने और तारागढ़ भी गए, और फिर वो कन्फ्यूज हो गए थे कि बोले कहाँ है। फिर शाम को रात्रि के टाइम भैया मेरे साथ में संजीव वर्मा जी है, उनकी ड्यूटी थी, उनके द्वारा वो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा वहाँ पर, तो उनको मिला नहीं। फिर उन्होंने हमें अवगत कराया कि मेरा बैग है, इसमें ये सामग्री है, ट्रेन उसके अंदर एक तो ट्रेन टिकट, बस टिकट और एयर टिकट थे, एक मोबाइल था और एक अपना कैमरा था और इस गाड़ी की आरसी और भी डॉक्यूमेंट्स थे उनके, और कैश भी था इसके अंदर। कैश 50,000 रुपये करीबन। लगभग उस बैग में कितने का माल होगा? लगभग उसके अंदर 1.5 से 2 लाख रुपए का, क्योंकि 10 से 15 जनों के उसमें टिकट भी थे, एयर टिकट भी था दिल्ली से लेकर श्रीनगर के, और वो बैंक के अंदर नौकरी करते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, और उन्होंने हमें मिलके उन्होंने बोला मुझे एयर टिकट चाहिए और कुछ भी नहीं, बाकी सब मेरे लिए कच्चे के सामान है। और वो मिलके उन्होंने मैंने बैग उनको उनका बात हुई फ़ोन से, तो वो ऊपर आते इससे हम खुद ही चुंगी पे आ गए, चुंगी उनको बैग दे दिया हमने और बैग उन्होंने थमाते उन्हें बहुत खुशी हुई, बोला मेरे को और कुछ भी नहीं, एयर टिकट चाहिए था, बाकी सब मेरे कच्चे के सामान है, और उससे क्या हमें जाना था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी और पुष्कर राज के अंदर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो आज ईमानदारी पुलिस विभाग में जैसे हम होमगार्ड के अंदर हैं, दोनों वॉलंटियर होमगार्ड जवान हैं। रोहित, आप दोनों के क्या नाम है और क्या भेज है? हाँ, मेरा नाम रोहित मकवाना है, मेरा बेल्ट नंबर 561 है और मैं हेड कांस्टेबल हूँ, और मेरे साथ में संजीव वर्मा है, 420 बेल्ट नंबर है, 402। और कहाँ से आए थे वो घूमने? वो आए थे श्रीनगर से। क्या हुआ था कैसे? नमस्कार भैया, जैसा कि है मेरी ड्यूटी थी 2 से 10 में मेरी ड्यूटी थी धृतराष्ट्र स्मारक पे, उस दौरान शाम के समय एक व्यक्ति आए थे बूढ़े से, मतलब जारी नहीं थे वो, और वो मेरे से आके बोले थे कि भाई मेरा एक बैग अंदर यहाँ स्मारक पे खो गया है या कहीं लापता हो गया, तो मैं उसको ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं ढूंढ सकता हूँ? तो बोला हाँ, मैंने बोला बिल्कुल बेशक आप ढूंढ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ढूंढिए। तो वो अंदर गए, तो अंदर काफ़ी देर उन्होंने ढूँढा मतलब, लेकिन उनको बैग नहीं मिला, तो वो अपने मतलब नंबर फ़ोन नंबर वगैरह दे गए थे, मतलब मुझे और मेरा मित्र थे वहाँ पे रोहित मकवाना जी, तो हमने मतलब उनके जाने के बाद हमने उनके नंबर ले लिए और हमारे नंबर भी उनको मतलब दे दिए। फिर हमने उनके जाने के बाद फिर हमने मतलब अपने स्तर पे मतलब वो बैग मतलब देखा झाड़ियों वगैरह में, हमारे को वो बैग प्राप्त हो गया, मिल गया था। बैग क्या था बैग में? बैग में सर ऐसा है, बैग में था एक कैमरा था, मोबाइल था, और उनके कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि अपने फ्लाइट्स टिकट थी, बस टिकट थी, ट्रेन टिकट थी, कम से कम 10-12 जनों मेंबरों की थी वो जो भी था, और इसके अलावा उनके जो आरसी वगैरह थी, नए कार उन्होंने शायद परचेज़ करी हुई थी, तो उसकी आरसी थी, मतलब इंश्योरेंस था और उसका पोल्यूशन वगैरह था जो भी मतलब, और एटीएम भी थे उसमें, एक डेबिट कार्ड था, एक एटीएम कार्ड था, और इसके अलावा मतलब कैश भी था उसमें 50,000 के आसपास कैश था। मेन चीज़ थी जो
की कि मैं पैसे नहीं चाहिए उनकी? नहीं, ऐसे तो मेन चीज़ उनकी ये थी भैया, उनको मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट उनको मतलब फ्लाइट्स टिकट का मतलब बार बार वो जिक्र कर रहे थे कि वो ये बोल रहे थे हमारे, जब हमने उनको बैग सुपुर्द किया था तो वो बार बार ये बोल रहे थे कि मेरे लिए मतलब ज़्यादा कोई मतलब महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है सर, मेरे लिए ये था फ्लाइट्स टिकट और मेरे ट्रेन टिकट और मेरे ये बस टिकट, जिससे मैं ट्रैवल्स कर सकूँ, जर्नी कर सकूँ। पैसे को वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे थे, ना कि कैमरे को इतनी अहमियत दे रहे थे, और एक मोबाइल भी था सोनी एक्सपीरिया का, उसको भी तो इतनी मतलब नहीं दे रहे थे। लेकिन जब उनको ये सारी चीज़ें उनको सुपुर्द की तो वो बहुत ही मतलब इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए, उनका मतलब खुशी का बिल्कुल ठिकाना नहीं था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अजमेर शहरवासियों के लिए क्या क्या गए कि बहुत ही मतलब अपने ख्वाजा की जो नगरी है और पुष्कर राज है, काफ़ी मतलब अच्छा मतलब उन्होंने मतलब कम्प्लीमेंट दिया, बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने मतलब बोला है अजमेर के लिए, मतलब वासियों के लिए, और डिपार्टमेंट के लिए भी उन्होंने मतलब हमारे डिपार्टमेंट जो राजस्थान होगा डिपार्टमेंट है उनके लिए भी। मेरा नाम है सर संजीव वर्मा, मेरा बेल्ट नंबर है 402, कॉन्स्टेबल मेरी पोस्ट है।